सुप्रभात बच्चे, मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ हिंदी व्याकरण लेकर, ठीक है। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा व्यंजन वर्ण के संबंध में। पिछले वीडियो में मैंने स्वर वर्ण के संबंध में बताया था, आज मैं व्यंजन वर्ण के संबंध में बताऊंगा, ठीक है। व्यंजन वर्ण की परिभाषा मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में क्या है जी, हवा हमारा जीभ कहीं से रगड़ खाकर निकलती है, उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। व्यंजन वर्ण की परिभाषा मैं लिखवा चुका हूँ आप लोगों को, आप लोग उसमें देखेंगे, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है स्पर्श व्यंजन। पहला स्पर्श व्यंजन होता है तो इसका परिभाषा है, आप लोग लिखेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण स्पर्श से हो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जब हम लोग क्या है जी, जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं वो हम लोगों का जीभ क्या है जी, कहीं सटता है, कहीं से रगड़ खाकर हवाएं रुककर निकलती, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये क वर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है। क वर्ग के अंतर्गत पांच वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग में पांच वर्ण होते हैं जिसे हम लोग स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे च, छ, ज, झ और इ, ये च वर्ग का है, ठीक है। उसी तरह ट, ठ, ड, ढ, ण, ये पांच गो वर्ण है जो ट वर्ग का है। उसी तरह त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग का है, ठीक है। त वर्ग में त से लेकर न तक होता है, ठीक है। उसी तरह प, फ, ब, भ, म, ये सभी क्या है जी, हम लोगों का वर्ण कहीं ना कहीं क्या है जी, हम लोगों का जीभ जो वाक इंद्रियां हैं, वाक तंत्रियां, उसे कहीं ना कहीं स्पर्श करके ही उच्चारण होता है, इसीलिए हम लोग इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। दूसरा है आप लोगों के लिए अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन का अर्थ होता है अंत यानी अंदर, अस्थ माने रुकना, ठीक है। इसका परिभाषा है कि जिन वर्णों का उच्चारण में वायु अंदर की तरफ आती है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे क्या है जी, य, र, ल, व, उच्चारण करें आप लोग भी, य, य का उच्चारण करेंगे तो क्या होगा कि वायु अंदर की तरफ आएगी। य, र, ल, व, ये चार गो वर्ण होते हैं, ठीक है। चार गो वर्णों का उच्चारण क्या है जी, करने पर वायु अंदर की तरफ आती है, इसीलिए इसको हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखेंगे उष्म व्यंजन, ठीक है। तीसरा है उष्म व्यंजन। हाँ, तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि व्यंजन वर्णों को कितने प्रकार, व्यंजन वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। तीसरा है आप लोगों का उष्म व्यंजन, ठीक है। तो उष्म व्यंजन का परिभाषा है आप लोगों के लिए कि जिन वर्णों के उच्चारण में उष्म वायु बाहर की तरफ निकलती है उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। यानी वैसे व्यंजन जिनके उच्चारण करने से हम लोग क्या जी, गर्म वायु बाहर निकलती है उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे तालव्य स, स कहने, स के उच्चारण करने से हम लोग की उष्म वायु बाहर निकलती है। मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये चार गो वर्ण है जो क्या जी, उष्म व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। इनके उच्चारण में उष्म वायु बाहर निकलती है इसीलिए इसको उष्म व्यंजन कहते हैं। तो बाकी रह गया आप लोगों का एक, छ, त्र और ज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन वैसे व्यंजन को जो एक से अधिक वर्णों के मेल से बने हों उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी क्या है जी, जो वैसे व्यंजन जो एक से अधिक वर्णों के मेल से बने उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे एक, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। जैसे इसका उच्चारण होता है छ, 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 ठीक है। तो इसका हम लोग क्या है जी, कितने वर्णों के मेल से बना है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। यह क तालव्य स और अ के मेल से बना हुआ है यह, ठीक है। यानी इसका उच्चारण श के तरह श करते हैं, ठीक है। और दूसरा है त्र, इसका इन तो और र जोड़ अ, ये तीन वर्णों के मेल से बना है इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन कहते हैं त्र को। और ज्ञ जोड़ इ जोड़ अ, ये तीन वर्णों के मेल से बना होता है श, त्र और ज्ञ, ज, इय और अ के मेल से। और चौथा वर्ण होता है स्र, इसका प्रयोग हम लोग श्री के लिखने में करते हैं या श्रद्धेय इत्यादि लिखने में करते हैं। तो यह किन किन वर्णों के मेल से बना है मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए।
तालव्य स र और ओ, ये मेल से ये स्र बनता है। ठीक है, ये चार वर्ण हुए आप लोगों को क्या संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।